श्री केदारनाथ धाम की इस वर्ष की यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने में मात्र 2 हफ्ते का समय शेष रह गया है। जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर केदारपुरी तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। वही जिला अधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशों पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के नेतृत्व में टीमें यात्रा मार्ग पर रुद्र पॉइंट से गौरीकुंड तक सफाई अभियान और बुग्याल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से घोड़े खच्चरों के लीद को गौरीकुंड डंपिंग जोन में पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा और जान माल को देखते हुए यात्रा मार्ग पर डेंजर जोन के समीप लगने वाली दुकानों को हटाया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आगामी श्री केदारनाथ धाम 2024 की यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं और गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम तक जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देखिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं और जिसमें कि कम से कम 100 तक के लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं और जो भी डेंजरस जोन है उनको चिन्हित करना और जो भी यहां पर बुग्याल ख़त्म हो रहे हैं घोड़े की जो लीड है उससे उसको हटा करके बुग्याल को सुरक्षित रखना।